So guys, these were the videos from the USA Travel Work series. We hope you really enjoyed it. आज हमारा आखिरी दिन है साल में भी और US में भी. 6 PM पे हमारी फ्लाइट है ऑल द वे टू Brussels. So from all our family members, Happy New Year and bye-bye. तो आज है 31 दिसंबर हमारा लास्ट डे US में और यकीन मानिए 21 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला. ये साल का सबसे एक्साइटिंग टाइम था हमारा और अब हम जा रहे हैं. डिक्की में हमारे बैग्स हैं और रांदी पंकज भैया हमें सी ऑफ करने एयरपोर्ट जा रहे हैं. मतलब अच्छा तो लग रहा है ब्रसेल्स जा रहे हैं बट थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मिस करेंगे. मानसी इट्स सो राइट कि किस दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला. इट वॉज सो मच फन. अब हम एक्साइटेड है कि ये जा रहे थे कि हम भी वहाँ पर आए आगे के ट्रिप प्लान करें. बट विल मिस यू गाइस फॉरवर्ड टू आवर बेल्जियम बट विल मिस यू गाइस सो मच एंड द कैमरा एंड द माइक एंड या आई थिंक आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से but it was such a great time with you guys and I'm really gonna miss you. And hamara third floor abhi bilkul empty rehne wala hai. Kabir will miss and I think Kabir has something to say. Kabir, you have any final message? We are coming back soon. Yeah. On your next birthday. Yeah. Goodbyes are so difficult. तो मैं हूँ वॉशिंगटन IAD एयरपोर्ट में और आते से ही हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि सेल्फ चेक इन था तो हमने मशीन के जरिए अपनी बैगेज का काउंट भी ले लिया था वेट का और बोर्डिंग पास हमें मिल गया था और उन्होंने कुछ चीज़ें चेक करी थी. मशीन ने पूछा था लाइक यू हैव कोविड टेस्ट रिजल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद एक पर्सनल आया था हमारे काउंटर पर और उसने हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए कोविड टेस्ट रिपोर्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड यस हमारा वीज़ा और बेल्जियम में हमारा जो रेसिडेंसी कार्ड है वो. उसके बाद एकदम खाली था काउंटर. हम बैगेज ड्रॉप करने गए. हमारे दोनों बैग्स ओवरवेट थे लेकिन थैंकफुली जो बंदा वहाँ पे था वो काफ़ी हेल्पफुल था इंडियन था. सो थैंक यू रॉबर्ट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. और बस दैट्स इट बैगेज ड्रॉप कर दिया है और हम यहाँ पर हैं. एयरपोर्ट पे जितनी भीड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी नहीं है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मैड क्राउड बट हु नोज अब हम सिक्योरिटी के लिए जाएंगे. काफ़ी सुंदर है. 31 December यू विल बी मेमोरेबल. तो एक्चुअली कोविड टेस्ट के रिक्वायरमेंट ऐसे हैं कि आपको अराइवल के पहले 36 घंटे पहले का आपका सैंपल होना चाहिए और रिजल्ट होना चाहिए नेगेटिव. तो एंटीजन टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने करवाया था जिसके रिजल्ट्स टाइम पे आ गए थे तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है. वी डिडंट नीड RT-PCR टेस्ट. एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने RT-PCR टेस्ट भी कराया था बट उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है. उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है मतलब मानसिक ही आ गई मेरी अभी तक आई नहीं है तो इसलिए हमने दो टेस्ट बुक कर लिए थे. तो ऑलवेज टू बी श्योर जब भी फेस्टिवल या ऐसा रश टाइम होता है आप दो तीन जगह से टेस्ट करवा लो क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं है तो फिर यू कैन नॉट फ्लाई फंस जाओगे. ठीक है लेट्स गो आगे क्या तो हम आ गए हैं यहाँ पर अपने ID चेक के लिए और हमारे पास यहाँ पे बस राइट में है सिक्योरिटी काउंटर. तो आफ्टर फ्यू मिनट्स हम आपको एक्सपीरियंस बताएंगे. ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि बैग में से आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स नहीं निकालने हैं. देखते हैं कैसा प्रोसेस है. सिक्योरिटी हो गई है काफ़ी स्मूथ थी भीड़ नहीं है. टच वुड क्योंकि आज का दिन शायद लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए. तो आफ्टर दैट स्मूथ प्रोसेस अब वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द गेट. हो सकता है इस बीच कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ हो. वी विल कीप यू अपडेटेड. फ्लाइट का बोर्डिंग गेट ABC है तो यू विल हैव टू टेक अ ट्रेन. तो लोग यहाँ से इंटरनली कनेक्टेड एक ट्रेन से पहुँचेंगे अपने गेट्स की तरफ. हमारा D है तो हमारे लिए बस यहाँ पे एस्केलेटर्स हैं हम उसको यूज़ करेंगे. दो घंटे बाद हमारी फ्लाइट डिपार्ट होगी. अभी हम पेट पूजा करेंगे. हमने दो सब्ज उठा लिए हैं तो आराम से हटके खाएंगे. फॉर्मेलिटीज़ में सिक्योरिटी के बाद कुछ नहीं हुआ. हम बस एक शटल लेके गेट्स की तरफ आ गए एंड नो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़.
तो आई थिंक हाईलाइट यही रही कि गेटिंग अ कोविड टेस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम दैट वॉज द चैलेंज एंड अचीविंग अ नेगेटिव रिपोर्ट ऑल्सो वॉज अ चैलेंज. तो अभी हम आपको थोड़ी डिटेल्स में बताती हूँ थोड़ी देर में पेट पूजा करने के बाद कि कोविड टेस्ट हमने कैसे करवाया. ओके मैंने मास्क बदल लिया है अब. और हाँ तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कोविड टेस्ट के बारे में. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि जब बहुत रश रहता है तो रिजल्ट्स आने में डिफ़िकल्टी होती है. एंड क्योंकि आप एज ए ट्रैवलर जब आते हैं तो आपके पास यहाँ का आईडी कार्ड नहीं रहता है, तो यू डू नॉट हैव एन SSN नंबर, जिसकी वजह से प्राइवेसी रीजंस की वजह से ईजिली ईमेल पे आपका रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है. सो जिसमें हमारा काफ़ी टाइम गया. तो हमने 3 जगह टेस्ट बुक किया था. रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बेल्जियम पहुंचने के 72 आवर्स पहले या तो RT-PCR टेस्ट करवाना है या फिर 36 आवर्स पहले हमें करवाना है रैपिड एंटीजन टेस्ट. हमने दोनों ही बुक करे थे. RT-PCR टेस्ट हमारा बुक था क्वेस्ट डायग्नोस्टिक से, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, सिर्फ मेरी आई है. तो उस पर रिलाय करते हम तो वी वुडेंट हैव बीन एबल टू फ्लाई. हमने CVS फार्मेसी से रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया कल आफ्टरनून में, जिसका आधे घंटे में रिजल्ट आ गया था. और उन्होंने हमें एक लिंक भेजी थी जिससे हम बिना आईडी कार्ड के हमारे रिजल्ट्स डाउनलोड कर सकते थे. तो वही हमने शो कर रहे हैं आज, जो एक्सेप्ट भी हुए हैं. हमने सेफ साइड के लिए, क्योंकि कल बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी गाइस, तो हमने कल सेफ साइड के लिए एक एनी लैब टेस्ट नाउ करके एक कंपनी है उसके साथ भी हमने टेस्ट बुक किए थे, जो पेड टेस्ट दे रहे थे. $159, $69 ऐसी रेंज थी. वो भी रैपिड एंटीजन टेस्ट दे रहे थे हमें, लेकिन थैंकफुली हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो हमने जो टेस्ट कराए हैं गाइस क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स और CVS फार्मेसी से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. तो गवर्नमेंट हैज़ पेड फॉर आर टेस्ट. तो वेल दैट वॉज इट. तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा अगर आप अभी प्लान करते हैं US आने का. तो हमारे जस्ट पीछे हमारा प्लेन है जिसको हम बोर्ड करने वाले हैं कुछ ही देर में. तो अगर आपने ऐप पे कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे हैं तो आपके बोर्डिंग पास पे ट्रैवल रेडी लिखा हुआ नहीं आएगा. हमने सब ऑलरेडी उनकी ऐप पे अपलोड कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स, तो वो वेरीफाइड हो गए थे, तो हमारा स्टेटस ट्रैवल रेडी है. जस्ट उनके साथ नहीं कर पाते, वरी नॉट, क्योंकि हाँ गेट के जस्ट इधर भी जो काउंटर रहता है वहाँ पे वो लोग फिर से चेक और हेल्प करते हैं आपकी. सो दैट्स इट. इसलिए हमें वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ी. दैट्स द बेनिफिट ऑफ बीइंग ट्रैवल रेडी. तो वेट करते हैं, आपको दिखाएंगे प्लेन के अंदर का माहौल. वी आर टू एक्साइटेड टू गो बैक टू ब्रसल्स, लेकिन थोड़ा मिस कर रहे हैं यार US को. 2021 का आखिरी दिन है आज, और अगर ट्रैवल को सम अप किया जाए 2021 का, तो इट वाज फिल्ड विद यू नो एनजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी. क्योंकि हमने इसी साल 2021 में क्रोएशिया की ट्रिप करी, जो पहले कई बार कैंसिल हो चुकी थी ऑल बिकॉज ऑफ कोविड. इंडिया गए थे हम और अभी US आए. तो हाँ ये सब हाईलाइट्स हैं, लेकिन व्हेन यू गो टू मीट योर फैमिली, भले इंडिया हो या US हो, इफ़ दिस इज़ द कॉस्ट यू हैव टू पे, देन इट्स वर्थ इट. इट्स बेटर देन नॉट मीटिंग देम. लैंड कर लिए हैं ब्रसल्स में सेफली, और मानसी की हालत आप देख ही सकते हैं कैसी हो रही है. वो बिल्कुल भी व्लॉग रिकॉर्ड करने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ ये. अब बस हम उतरेंगे और देखेंगे आगे कैसे जाना है. मोस्टली हम लोग कैब ही करेंगे, क्योंकि अभी हम दोनों की हालत देखा जाए तो ख़राब हो ही रही है. फाइनली घर आ गए हैं.
बाय द वे दिस इज अ वॉइस ओवर क्योंकि हमारा माइक बंद था इस वक्त, वी डिडंट रियलाइज। यहाँ यही बता रही थी कि 10 घंटे बाद मास्क उतार के इतना अच्छा लग रहा था फ्रेशर लेके, नो नथिंग मैचेस दैट। एंड कबीर का मैसेज आ रहा है, कीप वॉचिंग। यू हैव एनी फाइनल मैसेज? हेलो हेलो, लुक एट द कैमरा, मामा मम इज गोइंग, हेलो, यस दिस इज कबीर, बट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड something like, share, subscribe, like, share, subscribe. See you guys. So it's me and Ashu signing off. Bye bye, bye.